डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वर्किंग ऑफ मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सूडो कोड जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करेंगे। तो गाइज, इन सारी वीडियोज को अच्छे से चेक करना बहुत जरूरी है। और आपको एक चीज बता दूं कि पहला जो मर्ज सॉर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। और आपको ऑलरेडी बता चुका हूं डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होती है, कौन कौन से एल्गोरिदम्स, कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं। तो मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर का ही पार्ट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमने बहुत सारे ऑलरेडी मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं, क्विक सॉर्ट बता चुका हूं, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये सारे जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। लेकिन अगर हम बात करें मर्ज सॉर्ट की, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन। क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी? एन लॉग एन। चाहे आप कोई मर्जी केस की बात कर लो, चाहे आप बेस्ट केस की बात कर लो, चाहे आप एवरेज केस की बात कर लो, चाहे आप वर्स्ट केस की बात कर लो, ये एन लॉग एन पे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये मेन पॉइंट्स याद रखना। वैसे एक एक करके सारे आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले वर्किंग देखो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मर्ज सॉर्ट का। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक एरे लिया है, 8 एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो लेट्स से मेरा इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 8 एलिमेंट्स है मेरे यहाँ पे एरे में। और सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है कि डिवाइड एंड कॉन्कर है तो पहले डिवाइड करता है। मतलब मेरी प्रॉब्लम क्या है, बड़ी, ये क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट करना है एरे को, तो पहले क्या कहते हो, डिवाइड करो। मतलब अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाओ सब प्रॉब्लम में, और बिल्कुल ऐसी स्टेज पे ले आओ जब एरे के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट बच जाए, मतलब टर्मिनेशन पे लेके आओ, ये पहली कंडीशन है। तो हमने करना क्या है, 8 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली पहले मैं क्या करूंगा, इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दूंगा। तो मतलब पहले पार्ट में मेरे पास क्या आ गए, 4 एलिमेंट्स आ गए, 6, 4, 2 एंड 1, ठीक है। और दूसरे यहां पे सब एरे के अंदर अगेन 4 एलिमेंट्स आ गए, 9, 8, 3, 5। अब आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि सर आपने तो बड़ा अच्छे से 8 एलिमेंट थे, 4-4 में डिवाइड कर दिया, बड़ा इजी सा काम है, अगर लेट्स से 9 एलिमेंट होते टोटल, तो कोई बात नहीं यार, 9 एलिमेंट होते तो पहले वाले में 5 आ जाते, दूसरे में 4 आ जाते, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आपको पहले इसकी वर्किंग देखनी है, वो सारी चीजें जो है वो हम फर्दर देखेंगे। तो यहां पे इसकी वर्किंग देखो, तो पहले बड़े एरे को दो छोटे सब एरेज में डिवाइड कर दिया, 8 एलिमेंट थे तो 4 इसमें आ गए, 4 इसमें आ गए, तो बड़ी प्रॉब्लम दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड होगी। अब ये वाली जो सब प्रॉब्लम है, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, इसको अलग से डिवाइड करते जाएंगे, तो एक तरह से रिकर्जन चलती है यहां पे। रिकर्जन, पहली रिकर्जन में 8 के 4-4 के दो टुकड़े हो गए, अब नेक्स्ट रिकर्जन में ये जो 4 की प्रॉब्लम थी ये दो टुकड़ों में टूट जाएगी, 6 और 4, और दूसरे टुकड़े में आ गया 2 और 1, ठीक है। ये जो सब प्रॉब्लम थी इसको अगेन हमने ऑब्वियसली जैसे इसको तोड़ा ऐसे इसको भी तोड़ेंगे, तो इसको भी डिवाइड कर दिया, तो 9 और 8 इधर आ गया और 3 और 5 आपका इधर आ गया, ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम जो है वो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड होती जा रही है, लेकिन तब तक करनी है जब तक एरे में सिर्फ एक एलिमेंट नहीं रह जाता, मतलब बिल्कुल टर्मिनेशन कंडीशन। तो यहां पे दोबारा फिर हम इसको तोड़ेंगे, तो 6 आ गया, यहां पे 4 आ गया, यहां पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 9 आ गया, यहाँ पे आपका 8 आ गया, इधर आपका 3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। लो जी, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सब प्रॉब्लम में बिल्कुल आपकी आप कह सकते हो कि बिल्कुल जब तक आपका एरे में एक एलिमेंट नहीं रहता तब तक हमने इसको डिवाइड करते जाना है, रिकर्सिवली जो है ये काम करती जाएगी। जब आपके एरे में एक एक एलिमेंट रह गया, मतलब अब इससे फर्दर तो आप डिवाइड कर नहीं सकते, अब इसको क्या करना है, मर्ज करना है, मतलब इस डिवाइड एंड कॉन्कर। अब आपका चलेगा कॉन्कर वाला स्टेज, कौन सा, कॉन्कर वाला स्टेज है, जिसको हम मर्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए क्या करना, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए, ये इसी तरीके से चलती। तो ये देखो, सबसे पहले हमारे पास यहां पे क्या था, 6 था, यहां पे हमारे पास क्या था, 4 था, 4 के बाद हमारे पास यहां पे 2, फिर हमारे पास है 1, फिर है हमारे पास 9, फिर है हमारे पास 8, उसके बाद है हमारे पास 3, और फाइनली है हमारे पास 5, ठीक है। तो ये हमारी जो थी सब प्रॉब्लम में इस तरीके से डिवाइड हो गया था। अब हमने क्या करना, कॉन्कर या मर्ज। तो मर्ज करने के लिए क्या करना, वही सेम चीज, अब हमें क्या करना, पहले टुकड़ों में डिवाइड किया था, अब दो दो करके इनको जोड़ते जाओ, दो दो करके इनको क्या करते जाओ, मर्ज करते जाओ। और मर्ज करते टाइम क्या ध्यान रखना है, एलिमेंट्स आपके सॉर्टेड होते रहेंगे। जैसे 6 और 4 को मर्ज किया तो ये क्या बन जाएगा, 4, 6, ठीक है, मतलब सॉर्ट हो गया, ठीक है,
6 और 4 को मर्ज किया तो ये सॉर्ट कर देना, साथ साथ सॉर्ट कर देना। यहाँ पे 2 और 1 को किया तो ये क्या बन गया 1, और यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को किया तो ये 8, और यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। यहाँ पे इन दोनों को किया तो ये ऑलरेडी थे ही सॉर्टेड, कोई बात नहीं, इसको एज इट इज लिख दो। कई बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी है तो ये आपका एज इट इज। अब क्या करना है, अब इन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है। इन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि एक्चुअल में कर कैसे रहे हम। लेट से कि ये मेरा एरे है एल, ये मेरा एरे है आर, ठीक है। तो यानी ये एल का पहला एलिमेंट है, ये एल का दूसरा एलिमेंट है, ये एल का आर का पहला एलिमेंट है, आर का दूसरा एलिमेंट है, इस तरीके से। तो यहां पे हमने क्या किया, एक पॉइंटर ले लिया आई, यहां पे हमने आर में एक पॉइंटर ले लिया जे, मतलब एल डॉट आई मतलब पहला एलिमेंट है, आर डॉट ए जे मतलब ये वाला पहला एलिमेंट है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, एल डॉट आई को कंपेयर करना है आर डॉट जे से। तो आई और जे में से कौन सा एलिमेंट छोटा है, जो भी छोटा है उसको पहले लिख लो। इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट छोटा है, आर डॉट जे वाला एलिमेंट, वन छोटा है, तो वन को हमने यहां पे लिख दिया, वन को लिख दिया यहां पे। ये फोर तो बड़ा था, फोर और वन में से बड़ा कौन सा है, फोर, छोटा कौन सा है, वन, तो वन यहां पे लिख दिया। इसको एक तरह से हटा दो और जे को आगे मूव कर दो, सिंपल सी बात है, जो छोटा था उसको नेक्स्ट वाले में लिख दो और जे को आगे मूव कर दिया। अगर लेट से यहां पे छोटा होता तो इसको यहां पे लिख देते और आई को मूव कर देते। देखो अब यहां पे हमने जे को मूव कर दिया, जे किस पे आ गया, यहां पे आ गया टू पे। अब फोर और टू को कंपेयर करना, आई अभी वहीं पे ही है, फोर और टू को कंपेयर किया, कौन सा छोटा है, टू छोटा है, तो टू को यहां पे लिख दिया। अब जे को आगे मूव कर दिया, अब जे के आगे तो कोई है ही नहीं एलिमेंट, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहां पे इनफिनिटी ऐड कर देते हैं, मतलब एक बड़ा एलिमेंट जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि आपका कंपैरिजन चलता रहे। बड़ा एलिमेंट क्यों किया, ताकि आपका कंपैरिजन रुके नहीं। अब देखो इसके बाद तो कंपैरिजन ही रुक जाता, तो आप करते कैसे आगे, बढ़ ही नहीं पाते, तो इसलिए जान के इनफिनिटी लगा दिया। अब देखो फोर और जे यहां पे आपका इनफिनिटी पे है, तो फोर और इनफिनिटी में से कौन सा छोटा एलिमेंट है, फोर आपका छोटा एलिमेंट है, तो फोर आपका एज इट इज आ गया, ठीक है। अब आपको यहां पे बढ़ाना है तो आप आगे बढ़ा लो, लेकिन आपको पता ही है इनफिनिटी से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली वही एलिमेंट आपका छोटा आएगा, इनफिनिटी तो बहुत बड़ा, तो ऑब्वियसली यहां पे 6 जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हमने वही सेम चीज यहां पे लगानी है, यहां पे लगाने के लिए ये मतलब आई मेरा यहां पे है, जे मेरा यहां पे है। अब देखो फिर हम वही करेंगे, यहां पे चार एलिमेंट्स आएंगे, आई और जे में से छोटा कौन सा, आई और जे में से ये 3 आपका एक तरह से छोटा है, तो ये कर दिया, इसको आगे मूव करवा दिया, यहां पे 5 यहां पे आ गया, और फिर वही 8 और 9 आपका इस तरीके से बढ़ता जाएगा। देन फाइनल इन दोनों को हमने क्या करना है, मर्ज करना है। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए फिर वही हम 3, 4, 5, 6, 7 और ये आ गया आपका 8, ठीक है। अब देखो जी ये मेरा एक तरह से आई यहां पे है, जे मेरा यहां पे है, ठीक है, आई यहां पे है और जे मेरा यहां पे है, ये एल ये आर। अब देखो जी एल डॉट आई और ये आर डॉट जे को कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन सा एलिमेंट छोटा है, ये छोटा है, आई वाला छोटा है, तो वन को हमने यहां पे लिख दिया, वन को एक तरह से हटा दिया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई अब यहां पे आ गया। अब देखो टू और थ्री में से जे अभी वहीं पे ही है, टू और थ्री में से कौन सा छोटा है, टू छोटा है, तो टू हमने यहां पे लिख दिया और इसको एक तरह से हटा दो और ये आपका आई मूव कर दिया, ठीक है। मतलब हटाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे सिंपल इसको जस्ट ताकि आपके कोई दिमाग में वो ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे, तो आई को आगे मूव कर दो, आई अब आपका यहां पे आ गया। अब देखो आई और जे में से कौन सा छोटा है, जे वाला अब छोटा है, तो इसको यहां से हटा दो और आगे मूव कर दो। अब देखो आई आपका यहां पे था और जे आपका यहां पे है, तो देखो फोर और फाइव में से कौन सा छोटा है, ये आपका फोर छोटा है, तो फोर को यहां से हटा दो और आई को सिक्स पे ले आओ। अब देखो सिक्स और फाइव में से कौन सा छोटा है, फाइव छोटा है, तो इसको आगे मूव कर दो, और सिक्स और एट में से कंपेयर किया तो सिक्स आपका छोटा है और ये आगे आपका इन्फिनिटी, वही सेम चीज इन्फिनिटी पे चला गया, आई वाला इन्फिनिटी पे चला गया। अब आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ आई एक तरफ इन्फिनिटी है, दूसरी तरफ एट है, तो ऑब्वियसली आप 8 को एज इट इज यहां पे लिख दो और 9 को भी एज इट इज यहां पे लिख दो। 9 को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं कंपेयर, जब आपने 8 को कंपेयर किया इनफिनिटी से आपको पता लग गया एक तरफ तो इनफिनिटी आ चुका है, तो बाकी के सारे एलिमेंट्स को आप एज इट इज जो है यहां पे लिख दो, तो ये लो जी आपका एरे जो है वो सॉर्टेड हो गया। तो ये था पूरा का पूरा पोर्शन डिवाइड और ये था पूरा का पूरा पोर्शन आपका कॉन्कर। तो दिस इज हाउ डिवाइड एंड कॉन्कर, या आप कह सकते हो मर्ज सॉर्ट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इसका सूडो कोड है उससे कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे एक्चुअल में काम कर रहा है।